फोन आया था, बता रही थी कि पापा पापा बाइक चला रहे थे और दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आई और उन्हें टकराई। पापा का एक्सीडेंट हो गया। बाबा ठीक ठीक है ना? अभी माँ और दादी का हमारी अभी उनसे बात हुई है, वो पापा को लेकर आते ही हो। हमें समझ नहीं आ रहा पापा इतने सालों से बाइक चलाते हैं, आज अचानक किसी एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं बताती हूँ कैसे हुआ। पापा बाबा ठीक तो है ना? ये सब कैसे हो गया? दूर रह हमारे बेटे से। तुम्हारी वजह से आज हमारे बेटे का ये हाल है। यात्रा के लिए मां, मैं ठीक कह रही हूँ शेखर? या छोरी ने आज तूने मायने मारी बजाय इसीलिए ये हुआ। प्लीज स्वरा ने कुछ नहीं किया, हमी ने स्वरा को। चुप रहे लाडो। थारे से तो मैं बाद में निपटूंगी, कहा था ना थारे को मत जा वहां, जाने दे उनको जेल अगर जाते हैं। अरे उनका इतना बड़ा परिवार है, एक दूसरे के सहारे जी लेंगे स्वरा। हमारा तो इकलौता बेटा है, आज हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? कौन देता हमारे को सहारा? दादी मैंने बाबा की काशी में नहीं। मत कह उसे बाबा से पापा। तुम्हारी बेपरवाही की वजह से हमारे बेटे की जान को खतरा हुआ स्वरा। मां आप ये क्या कह रही है? एकदम ठीक कह रही हूं, शेखर का एक्सीडेंट गाड़ी की वजह से ना हुआ। या छोरी ने कसम तोड़ी इसलिए हुआ। नहीं दादी मैं सच कह रही हूँ, मैंने बाबा की कसम नहीं तोड़ी है, मैंने दहलीज पार नहीं की थी। पर तू वहां गई तो थी ना, तू टूट गई ना कसम। दादी उन्हें पुलिस अरेस्ट कर रही थी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। बाबा की दी हुई कसम से ज्यादा जरूरी था? कसम खा और अपने बाबा के सर पे हाथ रखे कि आज के बाद पुलिस घर की दहलीज पार नहीं करेगी, और अगर ऐसा किया तो अपने बाबा का मरा मुंह देखेगी। रहने दो, आज इसने ऐसा करके जता दिया, इसकी नजर में इसके बाबा की कसम और इसके बाबा के कोई मायने नहीं। नहीं बाबा, दूर रहे हमारे बेटे से।
हजार जुआ को बाबा का। जब तू उसकी बात का मान नहीं रख सकती तो सिर्फ मुंह से पिता कहने का कोई फायदा ना। पता है थारे को सर पर हाथ रखकर कसम खाने का के मतलब होवे है? का मतलब होवे है अगर कसम टूटी तो वो इंसान मर सकता है। और देख, तूने सिर्फ आलोकों के घर में कदम रखा और मारा बेटा अस्पताल पहुंच गया। नदी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं अपने बाबा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूं मैं उनसे। कसम तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वहां गई कहां थी? फातिमा प्लीज शांत हो जाइए। मैंने दहेज पार नहीं किया। मैंने नहीं तोड़ी है कसम। छोरी, तूने सिर्फ उन लोगों की मदद की, तुम्हारे बेटे का ये हाल हो गया। अगर दहलीज पार करती तो के होता, सोचा है कभी? बाकी सब परिवार और बच्चों की फिक्र माँ बाप को जाने कैसी कैसी बातें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम समझ सकते हैं। नहीं दुर्गा प्रसाद जी, इस वक्त कोई नहीं समझ सकता कि मारा के हाल हो रहा है। नहीं दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। स्वरा वहां हमारी मदद करने आई थी और ये तो सिर्फ इत्तेफाक है कि स्वरा वहां आई और यहाँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया। देखिए, इसमें स्वरा की क्या गलती है? थारे को बीच में बोलने की जरूरत ना है संस्कार। पर आप लोग अभी अठे अठे के कर रहे हैं? कृपा करके जाइए, जाइए यहां से। को एक बात समझ में ना आ रही है, जब हमें आपके परिवार से कोई रिश्ता ही ना रखना है तो काय आ रहे हैं आप लोग यहां बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए? स्वरा, कह दे इन लोगों से कि चले जाएं यहां से इसी वक्त, और अगर ना माने तो धक्के मार कर बाहर निकाल। नहीं दादी, ये लोग यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्हें हमारी फिक्र है, चिंता करते हैं हमारी। चिंता? कहाँ गई थी इन लोगों की चिंता जब इनका बेटा हमारी लाडो को धोखा देकर किसी और से ब्याह कर रहा था? कहाँ गई थी इनकी चिंता जब इनकी नई बहू हमारे घर में आकर हमारी लाडो को अनाथ शनाप कह रही थी, ताने मार रही थी वाको? मैं जानती हूँ काकी सर, आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा जायज भी है। स्वरा, हरे को अपने बाप की फिक्र है कि ना? ये पापा है वो मेरे, मुझे उनकी फिक्र नहीं होगी क्या? तो फिर तोड़ दे सारे रिश्ते इस परिवार से। केके को पढ़ाने में ध्यान ही नहीं रहा। आई और राजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप ठीक तो हैं? एक्सक्यूज मी, कोई है? अरे ये तो वही अंकल हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। अभी
मिनट भी जाया किए बगैर दोनों बच्चियों को छोड़ दो, वरना अंकल आप ठीक तो हैं? अंकल आपका आपका घर कहाँ है? अंकल आपका घर कहाँ है मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अंकल कहाँ रहते हैं आप? घर में। क्या? में। अंकल आपका घर, मैं आपको घर घर छोड़ देती हूँ। आप उठिए, मुझे बताइए आपका घर कहाँ है? उठिए। घर नहीं है। कोई है? घर नहीं है। आराम से। घर नहीं है। सारे रिश्ते तोड़ के चले गए तेरे बाबा। बहुत बढ़िया, रिश्ता जोड़ने की जगह तोड़ कर चले गए। नहीं बेटा, तू सारा गुस्सा थूक दे, तू बस जा अपने बाबा को ढूंढ ला, पता नहीं वो कहाँ होंगे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने सबको पूछा, मैंने उनको फोन किया, फैक्ट्री में पूछा, वो कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मत रो आई, सो सॉरी आई, सब मेरी वजह से हुआ है, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। नहीं 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 बेटा, नहीं आई, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद। तो खुद को दोष मत दे, कोई भी बेटा अपने आई के लिए गुस्सा होगा ही ना। तू बस जा अपने बाबा को ढूंढ ला, पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, और अगर आबा साहब को पता चल गया तो, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो, तू बस जा बाबा को ले आ। मैं लेकर आऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। दादी माँ, ये आप क्या कह रही है? स्वरा मेरी, मैं अपनी पोती से बात कर रही हूँ। अगर थारे को मारी बात मंजूर है तो पकड़ मारा हाथ और चल मारे साथ। भूल जाऊंगी स्वर, वो उसका ससुराल है। हम इसे ऐसा फैसला लेने के लिए कैसे कह सकते हैं? तू नहीं कह सकती होगी शर्मिष्ठा, पर मैं कह रही हूं, मैं अपनी पोती से कह रही हूं कि वो अपने मायके या ससुराल में किसी एक को चुने। क्यों कर रही है आप ऐसा? दोनों ही मेरे परिवार है ना? नहीं सुना, तने आज किसी एक को चुनना ही होगा, फैसला थारा है। दादी, अगर शादी के बाद लड़की को मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना होता तो शायद मैं और रागिनी कभी एक होकर मासी का झूठ सबके सामने नहीं ला पाते। हम दोनों बस आके बहू बनकर रहते।
अपने मायके की तकलीफ को इधर ही छोड़ देते और अपनी माँ को चोट पहुंचने देते। तब की बात और थी। नहीं दादी, आज काव्या ने बड़ी माँ और मोम पर इल्जाम लगाया था कि वो लोग घर की बहुओं पर अत्याचार करती है। अगर आज मैं अपनी बहू होने का फर्ज नहीं निभाती तो वो दोनों जेल में होती। मन्ने, अपनी बातों में मत फंसा स्वरा, सिर्फ अपना फैसला बता दे। अगर तूने इस परिवार से अपने रिश्ते ना तोड़े, हमारे घर में तुझे कोई जगह ना मिलेगी। रहने दीजिए, हम चलते हैं। नहीं अन्नपूर्णा जी, आप इसका जवाब सुनकर ही जाएंगे। शोना, शादी दो इंसानों के बीच नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। और शादी के बाद एक लड़की अपने मायका और अपने ससुराल दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है, पर तूने दोनों जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई है बेटा। मुझे गर्व है तुझ पर। शादी के बाद एक लड़की को कभी भी अपने मायके और अपने ससुराल के बीच एक को चुनना नहीं पड़ता है। उसे दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। लेकिन आज हालातों की वजह से तू एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां तुझे अपने मायके और ससुराल के बीच में चुनना पड़ रहा है। और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए तेरी मां होने के नाते, तेरे बाबा की अर्धांगिनी होने के नाते मैं तुझे तेरे बाबा की कसम से मुक्ति देती हूं। शमिष्ठा, तेरे ससुराल को तेरी जरूरत है और तू बाबा के बारे में बिल्कुल चिंता मत कर। मैं जानती हूं तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगी और वो बहुत जल्द समझ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तुझे उनका साथ देना है। तुझे अपने बहू होने का फर्ज निभाना है और ये मैं कह रही हूं तुझे। तू जा। इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। और शर्मिष्ठा, थारे को उसे अपनी इस हरकत का जवाब देना होगा। मैं जरूर जवाब दूंगी मां। जा स्वरा,
आज से तू सिर्फ उस परिवार की बहू है। हमारे घर की बेटी ना है। इन लोगों के साथ तू भी इस घर से निकल जा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ जाओ और अपने बहू होने का फर्ज पूरा करो। और हम अपनी बेटी होने का फर्ज निभाएंगे। जाओ सरा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिक्र मत करना, बहुत जल्द तुम्हें भी यहां से विदा करके लेके जाऊंगी मैं। माँ, मुझे बस एक आखिरी इजाजत चाहिए। मुझे नहीं पता मैं स्वरा को फिर कब देख पाऊँ। इतना ही था तो फिर उसे कसम से मुक्त क्यों किया? क्योंकि माँ इस बार यही जरूरी था। माँ मैं चाहती हूँ कि मैं उसे पूरे रीति रिवाज के साथ विदाई दूँ। मुझे जो करना है तू कर शर्मिष्ठा। शेखर की दवा का वक्त हो रहा है, शोना। एक मिनट। संभल के अंकल, आराम से अंदर, आराम से, आराम से। आई आजी, आई। तू घर पे नहीं है? नहीं, आराम से। आई ओके? संभल के चलिए अंकल, इस तरफ। यहाँ पे, यहाँ बैठ जाइए। नहीं आगे आगे, अंकल। एक सेकंड में पानी लाती हूँ आपके लिए। अरे अंकल लीजिए पानी लीजिए। लग रहा है आपको? अंकल आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए खाना लेके आऊं? खाना नहीं जी, कुछ दीजिए। आपका परिवार आपके लिए परेशान हो रहा होगा।
नहीं, कोई परेशान नहीं होता मेरे लिए, कोई किसी को मेरी परवाह नहीं है। नफरत करते हैं तो मुझसे नफरत करते हैं, कोई परेशान नहीं, नफरत करते। अब तो कल ही पता चलेगा इनके परिवार के बारे में और उनके घर के बारे में जब इनको होश आएगा, तब तक मैं इनको कमरे में सुला देती हूँ। अंकल एक सेकंड, आराम से उठिए, अब कमरे में चल के सो जाइए, उठिए आराम से, धीरे धीरे। बहुत दुखी लगते हैं बेचारे, इतने अच्छे इंसान को कोई अपना इतना गहरा दर्द कैसे दे सकता है। हेलो आरु, स्वरा, आरु तुमने इतने अचानक फोन किया, सब कुछ ठीक है ना? Oh, I'm so sorry, वो गलती से डायल हो गया होगा। गलती से मेरी शादी में भी आ जाती क्या आरु? अपनी कॉलेज की दोस्त को इतनी जल्दी भूल गई? अरे नहीं स्वरा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, ना ही तुम्हें भूली हूँ और ना ही तुम्हारे उन चॉकलेट्स को। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अभी भी अपने पास वो चॉकलेट्स रखती हो, ये सोचकर कि पता नहीं कौन सी खुशी का मौका कब आ जाए? काश ये खुशी का मौका बहुत जल्दी आ जाए। क्या हुआ स्वरा, सब ठीक तो है? तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है यार, पापा ने मुझे कसम में बांध दिया, जिसकी वजह से अपने प्यार और फर्ज के बीच में फंस गई हूँ मैं। मैं जानती हूँ कि मुझे ये कसौटी हर हाल में पार करनी है, पर कैसे करूंगी ये समझ नहीं आ रहा है। I know. कभी कभी जिंदगी दो राहों पर जाके खड़ा कर देती है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना फैसला लेना। लेकिन याद है हम कॉलेज में क्या करते थे, ऐसे सिक्के उछाल कर फैसले लिया करते थे, है ना? याद है, पर तुम्हें याद है कि हमारे फैसले हेड्स या टेल्स पर डिपेंड नहीं करते थे। सिक्का उछालते वक्त हमारा दिल हेड्स या टेल्स जाता था, उस पर डिपेंड करते थे। या राइट, लेकिन एक बात कहूँ स्वरा, हमेशा ना अपने दिल की सुनना, और हाँ कोशिश करना अपने माँ बाबा की बात समझने की। सही समझ नहीं आ रहा यार। स्वरा एटलीस्ट तुम्हारे पास बाबा तो है। हारू हारू ऐसे मायूस नहीं होते, तुम्हें पता है मुझे मेरे बाबा 20 साल बाद मिले हैं, इसे उम्मीद मत छोड़, हो सकता है कि तुम्हें भी अपने बाबा मिल जाए। और मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ और बाबा दोनों से कम नहीं, समझी? I know. पता है स्वरा, आज तक किसी गलती से डायल हुए नंबर पर बात करके मैं इतनी खुश नहीं हुई। मुझे भी। अच्छा अपना ख्याल रखना, मैं भी फोन रखती हूँ। या गुड नाइट, एंड हाँ स्टे इन टच, बाय। शर्मिष्ठा जी, अगर आपके कोई बंगाली रीति रिवाज है तो आप कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जी, मुझे बस इसे शाखा पोला पहनाना था, वही हमारे लिए सुहाग की निशानी होती है। चल राखू।
विश्वना, आज तेरी असली विदाई है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मैं तुझे फिर कब देखूंगी। अन्नपूर्णा जी, आज के बाद ये आपकी अमानत है, आज के बाद जिस पर कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ, स्वरा कल जितनी आपकी थी आज भी उतनी ही आपकी है, और अब देखना बाबा और दादी माँ बहुत जल्द मान जाएंगे। ये दुर्गा अम्मा, तुम्हारी हर लड़ाई में हमेशा तुम्हारा साथ देगी। सरत, तुम माँ पापा की फिक्र मत करना, हम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और हमेशा याद रखना, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो तुम्हें बस हमें एक आवाज देनी है, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और याद रखना स्वरा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही। संस्कार, ख्याल रखिएगा हमारी बहन का।
को देखा आपने? देखा तो नहीं, पर गांव वाले बोल रहे थे कि देसी दारू के अड्डे में थे, बहुत परेशान थे। देसी दारू के अड्डे पे? आज तो बहुत देर हो गई, सरस्वती आने ही नहीं दे रही थी। अगर इतने बरसों के बाद तू उससे मिल रही है तो ऐसा होगा ही ना। सर, वो तो है, पर आई तेरे लिए इतनी रात तक जगना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू एक काम कर, खाना खा ले, गोली ले ले और जल्दी से सो जा। हाँ, होगा। आराध्या यहाँ क्यों सो रही है? आराध्या, थाम का थाम, रात देख देख के थक गई होगी, उसे सोने दे, तू जा, मैं आती हूँ। खराब थी, ज्यादा शराब पी चुके थे, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्से में थे और फिर निकल गए। कुछ पता है कहां चले गए? नहीं, वो तो नहीं पता। थैंक यू। आर्यन का प्रेम पत्र पढ़कर तुम आओगी आधी रात को उठकर सीधे मेरी हथेली पे। कौन? आई अच्छे पोटाओ क्या? कौन है? कौन? आराध्या, दोस्ती ही तोड़ दी मैंने गुस्से में, तुम्हारा घर जलाने आ गया, माफ कर दो मुझे। हमारे परिवार दुश्मन है लेकिन हम तो दोस्त रह सकते हैं ना, अब और झगड़ा नहीं, हम दोनों ही इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। आराध्या, तुमसे मिलने की उम्मीद है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मार्केट के कोने पे लाल दरवाजे वाला मकान है, मेरा दोस्त रहता है वहाँ, मैं वहीं तुम्हारी राह देखूंगा। वाह बनवारी, क्या दिमाग चलाया है तूने, ऐसी चिट्ठी लिख दी आर्यन के नाम पे। अरे कभी अपने लिए भी ऐसी चिट्ठी लिखा कर तू। आओगी ना? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आर्यन। अब इसे क्या हो गया, इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया, एकदम से माफी? आ जा रहे हैं, मेरी जेब पुकारे, लक्ष्मी के दर्शन करवा जा रहे हैं। परिवारों की खुशियां चाहता है, शांति चाहता है आर्यन, इसका मतलब दिल का बुरा नहीं है वो, गुस्से में क्या क्या होगा सब कुछ। फैमिली की बात आती है तो मुझे भी तो गुस्सा आ जाता है ना, उसी तरह से उसे भी गुस्सा आ गया होगा। क्या करूं, इतनी रात को जाऊं कि नहीं उससे मिलने?
के नहीं जाऊं। सारी रात राह देखता रहेगा वो। चली जाती हूँ। आयक को बता दूं। आजी और आई से अगर पूछूंगी तो दोनों ही मना कर देंगे। दोनों परिवारों के बीच अगर दुश्मनी खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आर्यन आबा साहेब से बात करेगा और मैं आजी से। दोनों ही परिवार पर चैन से जी सकेंगे। मतलब घर में आफत की एंट्री हो रही है। एक बात कहूं स्वरा, अरे जे घर में आने की खुशी ना आज से ज्यादा मारे को पहले कभी ना हुई। अब तो देखना तू आ गई है ना, मैं थारे को सारे तौर तरीके खान पान सब सिखा दूंगी मारवाड़ी वालों। अपने पापा की सो कॉल कसम तोड़ने के लिए नहीं काव्या, चीयर्स की तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैस कर। वाओ, डालोगा? और ये देवी माँ की मूर्ति किस लिए? से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए क्या? मैं तो डर गई स्वरा। गुड, डरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मुझे भी बहुत डर लगता। Hey, listen. मुझसे जरा बच के रह। जेठानी जी, आप भी देवरानी जी, क्योंकि आपकी ड्रामा कंपनी नहीं,
जहाँ पर आपको रीटेक का मौका मिला। नहीं तक समझ में दर्शकों, एक इतनी बड़ी एक्टर सिंगर को अपने ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। क्यों छोड़ी? तू अपने आप को समझती क्या है? तू खुद एक जाहिल औरत है, व्यवहार करना थारे को आता ना है, और तू हम दोनों पे झूठा इल्जाम लगा रही है। घरेलू मारपीट के लिए इस घर के औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट करो इन्हें। मेरे इन-लॉज को छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं रूम में खुद ही गिर गई थी। कवे क्या किया तुमने? लक्ष्य, मैंने मीडिया के सामने झूठ बोला था, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं जानता हूँ काव्या, क्योंकि मेरी फैमिली कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारी फैमिली? लक्ष्य, मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही फैमिली हो। जो भी है काव्या, लक्ष्य, मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अगर मैंने उन्हें घर से निकाला तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, और ये सब भी जो कुछ किया ये सोचकर किया कि थोड़ी बहुत बदनामी होगी तो वो लोग अपने आप घर से चले जाएंगे और तुम्हारे साथ बदतमीजी करना बंद कर देंगे। और नहीं तो क्या लक्ष्य, तुम्हारे परिवार वालों ने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमसे ज्यादा तो उन्हें उस बदतमीज और शेमलेस लड़की रागिनी की परवाह है। नहीं नहीं काव्या, ऐसा नहीं है, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। थोड़े दिन पहले तक मैं भी ऐसे ही समझ रहा था, बट आई रियलाइज की उन्हें हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हमारे तरीके से दिक्कत है। अगर मैंने उन्हें पहले ही बता दिया होता कि मैं रागिनी से नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो शायद मान जाते हैं। पर काव्या, हमने उन्हें धोखा देकर गलत किया। लक्ष्य, तो क्या हमारी शादी एक गलती है? नहीं नहीं काव्या, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो तरीका शायद गलत था। I'm sorry, लक्ष्य। I'm really very sorry. काव्या, please ऐसे होने, please. बेटा बनवारी, खोल दे अपने जेब की खिड़की, आ गई देवदासी की लड़की। लफा लफा एक तरफ आई का रो रो के बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ पता नहीं आप कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं आपको बाबा। वो आ रही है, आ रही है, आ रही है। देवदासी के साथ संबंध करने में मेरा दमन ठीक हो जाएगा ना? अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दान दक्षिणा का पुण्य कमाएगा, तभी तो तेरा पाप धुलेगा। पापी पहले आधा है, पूरा तब होगा जब वो देवदासी की बेटी मेरी होगी। अगर वो बच के गई तो तेरी बाकी की रकम भी कहीं समझो तेल दे दे। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं ना मैं, इतनी रात में उससे मिलने जाना, सब ठीक तो होगा ना? रुक क्यों गई? आई पूरा गांव छान मारा, आई कुछ पता नहीं चला।
माफी मांग के पहला कदम तो उसने उठाया, दूसरा कदम मुझे उठाना चाहिए। आई मैं आपको फोन करूंगा। कौन बुला रहा मुझे? अरे मैं आई हूँ आराध्या। आर्यन आर्यन से तो आवाज आई थी। बिल्ली नहीं, वागिन है वागिन। हेलो कर वागिन के साथ कर कर प्लीज पापा, आप भी जानते हैं कि स्वरा आपसे बहुत प्यार करती है, और फिर अमी ने तो उसे वहां जाने के लिए कहा था क्योंकि उनका परिवार सच में बहुत बड़ी मुश्किल में था। और फिर पापा उस रात जब हमने तब वो हमें देखने आए थे ना, आज भी आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर वे देखने आए थे ना कि सब ठीक है या नहीं, तो उनकी इतनी बड़ी मुश्किल में स्वरा जाकर उनकी मदद कैसे नहीं करती पापा। शिखर दवाई साथ छोड़ दिया, स्वरा को मेरी कसम से आजाद कर दिया। शिखर, इस बात को तो शायद मैं फिर भी माफ कर दूं, लेकिन स्वरा को कभी माफ नहीं करूं। इसीलिए आज के बाद इस घर में स्वरा का नाम कभी नहीं लिया जाएगा। और पापा सुन, सुना नहीं तुमने? कभी नहीं। उतर आई थी दूध लेकर। एक सेकेंड स्वरा। हाँ? बैठो। स्व
स्वरा, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारा पति होने से पहले तुम्हारा दोस्त हूं मैं। हाय रागिनी, कैसी हो? सारी तैयारियां हो गई ना? सारी तैयारियां हो गई। लो स्वरा से बात कर। रागिनी। हाय स्वरा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, तुम सब कैसे हो? बाबा ठीक है? पापा बिल्कुल ठीक है, और अब कुछ ही दिनों में उनका प्लास्टर भी निकल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अब तुम कुछ बोलना मत, एकदम चुप। तसल्ली हुई? अब जाओ सो जाओ, बहुत देर हो गई है। थैंक यू। थैंक्स हमें नहीं, संस्कार को कहो। तुम्हारी तकलीफ को उनसे ज्यादा और कोई नहीं समझता। अच्छा, हम अब ऐसे ही फोन नहीं रखने वाले, पहले हमें स्माइल करके दिखाओ। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना स्वरा। फोन रखते हैं, गुड नाइट। थैंक यू संस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें दोस्त जैसा पति मिलता है, और मुझे तो अपना दोस्त अपने पति के रूप में मिल गया। मतलब भगवान जी ने तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है, जिसमें मैं हूँ। चलो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा सा आराम दो, क्योंकि ये रो रो के लाल हो गई है। क्यों? और तुम? मैं क्या, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा पूरी जिंदगी। और अगर तुम बोर हो जाओगी ना, फिर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मैं कभी बोर होने ही नहीं वाली, क्योंकि मैं तुम्हें होने भी नहीं दूं। यू नो व्हाट, वी ग्रो ऑल टुगेदर। मेरे भी दांत निकलेंगे, तुम्हारे भी दांत निकलेंगे। फटाफट खत्म करो, चलो। हमारा रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन अब हमें इस घर को छोड़ना होगा। हमें हमारे हिस्से की खुशियां मिल गई, लेकिन अब हमें इस घर की खुशी को वापस लाना होगा। हाँ संस्कार, मैं तुम्हारी इस कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक हमारे घर में सब ठीक नहीं हो जाए, हमारी शादी का ये रिश्ता पूरा नहीं होगा। तुम्हारा मेरे साथ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आई होप हम हमारी कोशिश में कामयाब जरूर होंगे। सो स्वरा, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। विश यू द सेम। चलो मैडम, अब आप चेंज करो और फिर सो जाओ। Thank you.
नहीं ना रात भर। तू भी तो नहीं सोए। चल नाश्ता करें। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरी वजह से तो दुखी है ना, तो कुछ नहीं बोलना चाहता बाबा को। तुझे खुशी देना चाहता था पर क्या दिया, फिर से आंसू। नहीं 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 ऐसा मत बोल आर्यन, तुझे दुखी नहीं देख सकती मैं, अपना मन छोटा मत कर। मेरी किस्मत खराब है। नहीं प्लीज आई प्लीज मत रोनो, मेरी गलती आई, मैंने बहुत कुछ बोल दिया था बाबा को। भाई उनको गुस्सा है, वो चले गए, दारू पिए, सब समझ सकता हूँ मैं। पूरी रात नहीं है वो भी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन आई सुबह तो आना चाहिए था घर, भले आपके कमरे में ना आए, घर तो लौटना चाहिए था ना उनको। तो मैं क्या कहूँ तुमसे आर्यन, बताओ मुझे। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, पूरी रात कहाँ होंगे आप? कहाँ? आराध्या, चाय तैयार है। ये पहले ही उठ गई क्या? आई? आराध्या कहाँ गई है? अगर जब मैं जागी ना वो सोफे पे नहीं थी, वो रात को ही अपने कमरे में चली गई होगी, वहां देख। हाँ मैं देखती हूँ। आप? जी, यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हमारा घर? तुम्हारे घर में कैसे पहुंचा? कौन लेकर आया मुझे यहाँ पर? मुझे क्या पता? आप मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हैं और मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? रात में नशे में था, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं यहां कैसे पहुंचा या कैसे लाया गया। तुम ही मुझे सहारा देकर यहां लाई हो ना? क्या बदनाम करना चाहती हो ना तुम मुझे? हटो, क्या समझती हो अपने आप को? कीचड़ उछालना चाहते हो तुम मुझ पे और मेरे खानदान पे? ज़्यादा नाटक मत करना मेरे सामने। तुम दोनों माँ बेटी कौन सा खेल खेलना चाहते हो हमारे साथ, अच्छी तरह से जानता हूं मैं। हमारे घर में कलेश हो, अशांति फैले, यही चाहते हो ना तुम दोनों? आइंदा ऐसा नाटक किया ना तो याद रखना मैं आज भी वही शाश्वत विद्याधर राव हूं जिसने 21 बरस पहले तुम्हें तुम्हारे बालों से घसीट कर गांव से बाहर निकाल दिया था। भूलना मत। अरे मेरी बात सुनो आर्यन, आर्यन तुम गलत समझ रहे हो। सुनो मैं समझाता हूं तुम्हें, मैं बच्चा नहीं हूं। मुझे गलत सही झूठ सच सब समझ में आता है, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत के ना दाद देनी पड़ेगी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने, फिर भी मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। सच तो यह है कि आपको मेरी आय की परवाह नहीं है। आपकी पत्नी होने के बाद भी
वो हमेशा डरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आपकी पत्नी होने का और उस घर की बहू होने का हक छिन ना जाए उससे। परायों के कारण आप लोगों को दुख देने में आपको बहुत मजा आ रहा है ना? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, ये सब तुम्हारी आई का वहम है, उसकी गलत फहमी है। ये मेरा आज तक तुम्हारी आई के अलावा किसी औरत के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। विश्वास करो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा जो दिखाई देता है ना वो सच नहीं होता। गलती तुम्हारी भी नहीं, आज तक तुम्हारी आई ने तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ जो जहर भरा है ना, तुम उसी के आधार पर हर चीज देख रहे हो। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी आई की गलत फहमी की वजह से आज एक बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। वाह मिस्टर चाचा, बातें ना बहुत बढ़िया बना लेते हो आप, लेकिन बातें बनाने से ना गुनाह कम नहीं हो जाते। दरिया ना पूरी रात नहीं सोई, एक पल के लिए नहीं सोई, पूरी रात रोती रही। क्यों? क्योंकि आप घर नहीं पहुंचे, मुझे भेजा आपको ढूंढने के लिए। हर कोने में ढूंढा आपको, लेकिन आप नहीं थे। आप यहाँ अपनी फेवरेट जगह, अपने फेवरेट लोगों के बीच आराम से सो गए। तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब गलत है। ऐसा तुम हमारे बीच में मत आना, समझे? आप रहिए, मजे से इन देवदासियों के बीच में रहिए। नहीं रोक सकता हूं। उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाना तो चाहिए था ना। वो क्या सोच रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उसे ठीक से समझाते ना तो समझ जाता। आ रहे खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम भी लिया अपनी गंदी जबान से तो खबरदार। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना मेरा बेटा मुझसे ऐसे बात करके। क्या यही चाहती थी ना तुम? पहले मेरे बाबा साहब पे इल्जाम लगा के और अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके। हो गया तुम्हारा बदला पूरा या अभी भी कुछ बाकी है? तुम देवदासियों ने आज तक हमारे परिवार को बर्बाद करने के सिवा किया ही क्या है? मेरी बहन की सहेली बनके उसे अपने ही परिवार के खिलाफ करके भाग पर शादी के लिए उकसाया तुमने, जिसकी वजह से मेरी आई हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, और आज मेरा बेटा भी मुझसे दूर होता जा रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बाबा साहब ठीक कहते थे, देवदासियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल था जो उनकी बात नहीं सुनता था। पता नहीं क्यों हमेशा इंसानियत के नजरिए से ही देखता। लेकिन अब नहीं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। सही कहते हैं लोग, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो एक मिनट में इसको चुप करवा सकती थी, पर बड़ी जीत के लिए कभी कभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है कुमुदनी। विश्वास, विश्वास किधर रह गए हो? जाकर ढूंढो मेरी लाडू माँ कहाँ चली गई है सुबह सुबह, चल लो कर। जवाब दूंगा अपनी आई को मैं। एक मिनट, कल पूरी रात कहा थे उसके बारे में मैं आई को कुछ नहीं बताने वाला हूं।
कि मैं अपनी आई की आंखों में और आंसू नहीं देख सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके बारे में कोई बात ना करें। समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे बेटे की आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत है। सही बोला आपने, बहुत नफरत करता हूँ मैं आपसे, और उससे भी ज्यादा मैं अपनी आई से प्यार करता हूँ, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आपसे बातें भी करूंगा, साथ बैठ के खाना भी खाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ उनके सामने। दोबारा याद दिला रहा हूं मैं आपको, मेरी आई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप उस देवदासी के पास थे पूरी रात। इसे लाइट अप करके अगर हवा में छोड़ दूं तो जो भी मांगोगे ना वो मिल जाएगा। तो तुम क्या विश मांगने वाली हो? मैं ये मांगना चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने आराध्या को नहीं देखा? तूने ठीक से देखा? हो तू ऐसे ही बोल रही है या ठीक से देखा? माई ठीक से देखा, कहीं नहीं दिखी वो। अरे देवा, ये लड़की कहाँ चली गई? तुलसी, तुलसी, अरु मिली? अगर तुलसी तुझसे पूछ रही हूँ आराध्या मिली क्या? नहीं मिली आई, मंदिर भी जाकर देखा उसे, वहां भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। तू चिंता मत कर, मैंने काका को भेजा उस केतकी के घर में, वो वहाँ अंग्रेजी पढ़ाने जाती है ना, वो वही होगी। माई, माई बिटिया केतकी के वहां भी नहीं है, वो बोली अरु रात को ही निकल गई। देवा रे देवा, हे कृष्णा, मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना गया हो। नहीं 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 ताई, नहीं मुझे ना सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। कल रात को उस प्रद्युम्न विद्याधर राव का बेटा हमारे घर पर था, और आज हमारी बच्ची गायब है। ये सब उसी ने किया है, ये सब उसी की करतूत है, मैं जानती हूँ। चलिए काका, हम जाकर इंस्पेक्टर दामिनी से बात करते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। नहीं नहीं रेडी थी, काहे नहीं करना, वो कुछ नहीं करेगी। मूर्ति चोरी के इल्जाम का बदला ले रहा है वो घमंडी हमसे, ये पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं। चाहे जो भी हो जाए, पुलिस की मदद में जरूर लूंगी। चलिए काका। राजा, कानून के पास जा, मैं जानती हूँ उस घमंडी के साथ करना क्या है। ये कहाँ ले आए हैं मुझे और क्यों? लगता है कोई फैक्ट्री है, वो जगह कौन सी है? ये समझ में नहीं आ रहा, किसकी फैक्ट्री है, कौन लोग हैं ये, मुझे इस तरह से धोखे से पकड़ के क्यों लेकर आए? आखिर वो चाहते क्या है मुझसे, है कौन ये लोग? भाई इस लड़की को यहाँ कब तक बांध रखेंगे? मुझे क्या मालूम, सेठ जब भी आएगा तभी पता चलेगा। पर कभी आएंगे, मालूम तो करना होगा ना। आ जाएगा, बुड्ढे को इस लड़की के साथ शादी करनी है। कितनी अच्छी किस्मत है इस बुड्ढे की, एकदम झक्कास लड़की मिली है। अरे इधर की चाबी बुड्ढे को किसने दी? अरे शायद आपा सामने दी होगी, ये फैक्ट्री उन्हीं की तो है।
या फिर उनके पोते आर्यन बाबा ने दी होगी। ओ भाव, आर्यन बाबा को सब कुछ संभालना है ना? इसका मतलब ये सब आर्यन की चाल है। सॉरी का लेटर भेजकर ऐसे मुझे किसी के हाथ, ओ गॉड, यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना गिर सकता है। इससे पहले कि आर्यन अपनी चाल में कामयाब हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं उसे। लगता है सेठ जी आ गए।